So hello everybody, welcome back to the channel of Educators. So this is the class 1 and I know that मैं यहाँ बिना marker, pen, duster और ये board क्यों नहीं है पीछे, पर ये कौन हसीना है जो हमारे बराबर में बैठी है. So guys, she is my wife and I am going to teach her English with you all. So इनके साथ आपको भी सीखने को मिलेगा, आपके साथ इनको भी सीखने को मिलेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है जो आज मैं कटोरी, दिस इज बाउल. ओके, सो दिस इज बाउल. तो बहुत सारी चीजें अगर आपको नहीं पता हैं तो आपको पता चल जाएंगी, राइट. सो गाइस, ये प्रैक्टिस इनके साथ की है मैंने. जैसे इन्होंने बोला है आप भी अब मुझे बोलकर दिखाएंगे एंड आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो गाइस टेल मी व्हाट इज दिस. आई होप आपने आंसर दिया है, दिस इज व्हाइट बोर्ड. एंड गाइस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज दिस. This is helmet. Okay, next thing, what is this? This is chair. So अब आपको क्या करना है, या तो आप अपना कोई पार्टनर ढूंढ लीजिए या आप खुद ही ऐसा कीजिए. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि भाई ये क्या चीज है, what is this, और खुद ही आंसर दीजिए this is light stand. खुद ही पूछिए what is this और बोलिए this is a helmet. तो इसी तरीके से आप खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, इंग्लिश में खुद से ही आंसर दीजिए और आपको इंग्लिश में बात करना आना शुरू हो जाएगा, राइट. अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे. एक्चुअली थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा नॉटी है. चलिए, अभी तक हमने चीज़ें पास थी उनके बारे में पूछा है, अब हम दूर वाली चीज़ों के बारे में पूछेंगे. नेक्स्ट कब. सो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो चीज़ें पास में हैं, लेकिन जब चीज़ें दूर होगी तो हम दूर वाली चीजों के बारे में पूछेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज दैट. दैट इज स्कूटी. दैट इज स्कूटी. जो चीजें दूर है उनको दैट बोलेंगे. व्हाट इज दैट. दैट इज कार. दैट इज कार. वो देख रहे हैं ना, वो कार है. एंड व्हाट इज दैट इन ब्लैक कलर. दैट इज अ काउ. दैट इज अ काउ. सो सिंपली है, जो चीजें हमारे पास हैं वो दिस हैं, जो चीजें दूर है वो दैट है, राइट. एंड व्हाट इज दैट इन ग्रीन कलर. That is a house. That is a house. So, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम दिस में यूज़ करते हैं, ये करते हैं, ये दिस, और जो चीज़ें दूर होंगी उनको हम यूज़ करेंगे दैट में. सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आसान सी प्रैक्टिस है जो आज आपको ये करनी है, और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. सो बेसिकली आप इसको स्टडी की तरह बिल्कुल भी मत कीजिए. अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो हम नॉर्मली सीख सकते हैं, एज ए फ्रेंड हम सीख सकते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा यू नो कि मार्कर चाहिए, पेन चाहिए, वर्ड्स चाहिए, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं. आपको बेसिकली थोड़ी बहुत अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है और टिप्स लेनी और शुरू करना.